हेलो दोस्तों, कैसे हो? मस्त। और मैं भी बहुत बढ़िया, बिल्कुल मस्त। और दोस्तों, सबसे पहले आपको इंदिरा गढ़िया का प्यार भरा नमस्कार। और आपके अपने जाने पहचाने चैनल इंदिरा गढ़िया देवभूमि उत्तराखंड ब्लॉग्स में आपका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। और कैसे रहे सबके व्रत वगैरह? कहाँ कहाँ हो गए भंडारे, है कुछ पता? हमारे यहाँ तो आज हमारे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में भंडारा है। और जो जो पास हो आ जाओ और भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण करो, ठीक है? देखते हैं वहाँ क्या क्या हो रहा है, चलते हैं गुप्तेश्वर मंदिर की ओर, बने रहिएगा। हर महादेव। और देखिए गाइस, आ गए हम गुप्तेश्वर मंदिर में। और ये सब भंडारे की तैयारी, और सारे बच्चे लगे हैं दरी वगैरह बिछाने में। और देखिए, और गाइस इधर देखो, हमारी मातृ शक्तियाँ आ गई हैं। कुछ तो सवेरे काम करके चले गए। और ले चलते हैं आपको यहाँ किचन की ओर, जहाँ पर ये बन रहा है। किचन ही कहेंगे इसको हम, ओपन किचन है। और ये भोले के भक्त लगे हैं। और इधर चल रहा है लंगर। और भाई अपनी तो सेवा यही है, आप लोगों के काम को दुनिया तक पहुंचाना। और जय भोले की। और देखो यहाँ पर बना रहे हैं तंदूर फटाफट हमारे कारीगर भाई लोग। और गाइस यहाँ पर बन रही है कढ़ी, और जिसे हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं झोली। तो जो झोली खाना चाहता है उसके लिए झोली, और जो कढ़ी खाना चाहता है उसके लिए ये कढ़ी है, ठीक है? और ये देखो हमारे कारीगर बच्चे लगे हैं, ये कांवर लेके आए भोले की सेवा करके। और यहाँ पर पब्लिक की सेवा यानी जनता की सेवा हो रही है। और ये हमारा बेटा रवि, और इसका बहुत सहयोग रहा है, मतलब। और बच्चे कांवर लेने गए तो पूरी मंदिर की जो देखभाल है इसी बेटे ने करी है। भोलेनाथ इसकी मनोकामना भी पूर्ण करेंगे, और जरूर करेंगे। और इधर है पकौड़े, जो कि अभी झोली में पड़ेंगे यानी कढ़ी में। जय भोले की। पाठक जी जय भोले की। और ये इस मंदिर के पाठक जी, और ये शर्मा जी, जय भोले की। यहाँ पर आटा मल दिया गया है। और देखो भोले की, उससे भंडार में कोई कमी नहीं है, बहुत राशन है, बहुत राशन है। यही भोले की कृपा है कि हमारे गुप्तेश्वर मंदिर में कभी खाना कम नहीं पड़ा, बल्कि बच ही जाता है। और काफ़ी संख्या में लाखों करोड़ों लोग खा जाते हैं। चलो अब दर्शन करा देते हैं महादेव के। वैसे तो मैं कराती रहती हूँ आपको, लेकिन आज दर्शन कराना बहुत ज़रूरी है। हर हर महादेव। मंदिर में आकर के दर्शन न करें ऐसा हो नहीं सकता। जय भोले की। और आप देखिए हमारे मंदिर में कितनी चेंजिंग आ गई है। ये जो आगे से जाल लगाया है, ये मूर्ति की सुरक्षा के लिए लगाया है, जिससे कि लोग क्या करते हैं, भोले बाबा की मूर्ति को रंग देते हैं, उसमें टीका लगाते हैं, तो इससे बचाव के लिए ये किया गया है। तो ये यहाँ पर शिवलिंग है, इस पर आप जल चढ़ाइए, जलाभिषेक कीजिए, जितना मर्जी चंदन लगाइए, तो इस पर आप लोग कर सकते हैं। हर हर महादेव। और आखिर लिखा भी रहता है मूर्तियों पर जल ना चढ़ाएं, फिर भी लोग चढ़ा देते हैं। और ये हैं हमारे नंदी महाराज। जय हो नंदी महाराज, जय हो महाराज की जय हो। और ये हमारे अजय भंडारी जी, हमारे छोटे भाई। जय भोले की भैया। अब इनको कार्यभार लिखा है कि लोगों की जो दान दक्षिणा आएगी उसका कार्य इनको सौंपा गया है। जय भोले की। ये जगह सब जगह भंडारे चल रहे हैं, और ये चलते भी हैं। जब बच्चे कांवर लेकर के आते हैं अपने भोलेनाथ के मंदिर में, तो यहाँ पर भंडारा हर साल करा जाता है, और बहुत ही धूमधाम से भंडारे को किया जाता है। इसमें बहुत लोग आकर के अपना भोजन करते हैं, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। और इसमें एक बात ये भी है कि जैसे जब ये भोले जितने भी हमारे बच्चे कांवर लेने गए थे, कांवर लेके आते हैं तो पहले कन्याओं को भोग लगाते हैं, भजन कीर्तन वगैरह होते हैं। तो हम लोगों ने कहा सब सामूहिक, बच्चे जितने भी गए थे सब सामूहिक हैं, और भी जो भी दान दक्षिणा दे सकता है, जिस पर जितनी श्रद्धा है वो यहाँ पर अपना सहयोग करते हैं। और पहले कन्याओं को भोजन कराया जाता है, फिर जा करके हम सब लोग यानी सब भक्तगण भोजन करते हैं कन्याओं को भोग लगाने के बाद, ठीक है?
बने रहिएगा और ब्लॉग में बने रहिएगा प्लीज़ दोस्तों, देखते रहना। और आपको कैसे लगते हैं ब्लॉग, क्या पता अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी अपने मतलब इस क्षेत्र में मतलब जो भी कुछ हो मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का प्रयास करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचा सकूँ और आप लोगों का सपोर्ट प्यार बना रहे, यही मैं चाहती हूँ। ठीक है, देखो सब सेवा में लगे हैं, ये देखो पानी, ये हमारा मोहित भोला, और ये देखो अभी तो इसमें दिया जाएगा पानी के छींटे जिससे कि धूल ना उड़े। ठीक है, और ये हमारे गौरा जी हैं, गौरव कश्यप नाम है, हम प्यार से इसे गौरा कहते हैं, और देख सकते हैं और हमारे छोटे भाई भी आ गए यहाँ पर, जगदीश पपोला, घर में हम प्यार से इन्हें बंटी कहते हैं। जय भोले की बोल दो भाई, जय भोले की, जय जय भोले की, हर हर महादेव। जग दी है गैस पे, देख सकते हो आप, और इधर हमारी मातृ शक्ति जुट गई है सेवा में। और हमारी सतीश चुग की मिसेज स्वाति चुग भी यहाँ पर आ चुकी हैं। और तो और सेवा करने हल्द्वानी से भी यहाँ पर पहुँच गए हैं हमारे गुलरभोज गुप्तेश्वर मंदिर में, और आ रहे धीरे धीरे। आओ माताओं बहनों, स्वागत है आपका। और बेल दिए पूड़ियाँ, हो गई है मतलब शुरुआत। और ये बेटा है सेवा करने के लिए पुलिस में है और छुट्टी लेकर के आए हैं गुप्तेश्वर महाराज की सेवा करने के लिए, अशोक कश्यप जी। और मोहित मेरा बेटा ये भी आया है दिल्ली से कांवर लेके, और ये हमारा ना ये हमारा ललित, ये भी सेवा में लगे हुए हैं। अब बच्चे लग गए हैं काम में, बस देखिए ये आवाज़ कितना काम आ रहा है, और बहुत अच्छा। और अब बस पूरी डाल रहे हैं, लग गए हैं बच्चे सेवा में, भोग लगाते हुए भंडारा बनके तैयार हो गया, बंद कर देते और भंडारा बनके तैयार हो गया है, और पाठक जी पहले भगवानों को भोग लगा रहे हैं, देख सकते हो आप जो ये भोग लगा दिया है, अब सब बने हुए भोजन में मिला दिया जाएगा। भोग तो लग गया, गुरु जी यानी पाठक जी ले जा रहे हैं हमारे शनि मंदिर और भैरव बाबा, अब इधर भोग लगाया जाएगा, बने रहिएगा गाइस आप। पहले भैरव मंदिर में जा रहे हैं, बम 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 बम
अब ये समाधि में भोग लगाने जा रहे हैं और गाइज कन्याएं बैठ गई हैं लाइन से, जय माता की जय भोले की। और ये सब अब इनको भोग लगाया जाएगा, सारी कन्याएं यहाँ पर बैठ गई हैं। इधर सारे लंगूर बैठे हैं, इधर सारे लंगूर बैठे हैं, ये देखो कितने लंगूर बैठे हैं। हेलो वीडियो वालों। और उधर बुढ़े लंगूर बैठे हैं। जय भोले की। और अब कन्याओं को भोग लगाते हुए क्या क्या है बच्चों, और कन्याओं को भोग लगाते हुए लगाते ही गाइज हो चुका है शुरू भंडारा। और ये देखिए मच गई है भंडारे में धूम, बम भोले की बम, देख सकते हो आप शुरू हो गया है भंडारा, सब लोग बैठ गए हैं। जय भोले की। अरे मैं बाबा जी भी आ गए हैं भोले का प्रसाद ग्रहण करने। अरे ने जोर पकड़ लिया है, ये देखिए बैरागी अपनी बिग फैमिली आए हैं। वेलकम है दादा। ओ देखो हमारी पल्लू भी आई है। ओ दिक्का घूंघट खोल। अरे चंद्रा आ जाए थे। हाँ चलो अच्छा अच्छा हर हर महादेव। चलो अभी आ जाएगी, चावल आ जाएगा, चलो खाओ खाओ भंडारा छको। बाबू की